अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है चॉकलेट केक की। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बर्तन रेडी करेंगे जिसके अंदर हमने केक बेक करना है। ये मैंने नॉन स्टिक की देगची ली, आप कोई भी देगची ले सकते हैं। उसके ऊपर आप रखते हैं कोई भी स्टैंड, या अगर आपके पास सिल्वर या स्टील की कोई प्लेट है, ऊंचाई पे थोड़ी सी होनी चाहिए, तो वो इसके अंदर रख दें। अगर ये बिल्कुल साथ होगा नीचे से आपका केक जो है वो बर्न हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी ऊंचाई पे ही आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं ढक्कन। ढक्कन पे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मेरे पास इसमें सुराख है। इसको आप बंद दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास शाश्लिक स्टिक है, इसको थोड़ा सा काट के वो इसके अंदर डाल दें। ये देखिए ये फिक्स हो जाएगी। या दूसरा आप कोई भी एल्यूमिनियम की शीट लें, इसको फोल्ड कर लें और वो इसके अंदर दे दें इस तरह से। तो मैं आपको दोनों तरह से बता दिए, आपका जो दिल करे आप इसमें ये सुराख बंद कर सकते हैं। ये देखिए इसका छोटा सा पीस मैंने काट लिया, थोड़ा सा साइड से मैंने इसको कट कर लिया। तो ये इसको थोड़ा सा प्रेस करके तो इसमें लगा देंगे, इससे हीट बाहर नहीं निकलेगी स्टीम इसकी। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पर रखना है तकरीबन 15 मिनट पहले। तो आइए हम मोल्ड रेडी करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास मोल्ड है, इसके अंदर थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। फिर ये मैंने पेपर कट किया हुआ है, इसमें लगा देंगे और ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये चीजें आप पहले तैयार करके रख लें, जब भी कोई भी केक बनाए, कोई भी बेकिंग की चीज बनाए, एक तो जिसमें आपने स्टीम करना है वो बर्तन पहले रेडी होना चाहिए और दूसरा मोल्ड आपका रेडी होना चाहिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्ट्रेन कर लेती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास मैदा 2 कप, साथ ही इसमें जाएगा कोको पाउडर। अब इसमें मैं डालूंगी कोको पाउडर 3/4 कप। इन दोनों को स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एग डालेंगे 4, रूम टेम्परेचर पे अंडे होने चाहिए। अब हम इसको बीट करेंगे। अंडों को मैंने काफी अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैंने 1 कप एंड 3/4 कप लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और यहां पे है मेरे पास मेल्टेड बटर, ये मैंने डाला है 150 ग्राम और तकरीबन 10 टेबलस्पून बनते हैं। इसको डाल के बीट करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है, हैंड बीटर से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब जो हमने फ्लावर रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी जाएंगे और साथ यहाँ पे मेरे पास है दूध 1/2 कप, ये इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से ये बीट हो जाए। साथ इसमें और फ्लावर ऐड करेंगे। ये देखिए बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर, ये देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हुआ है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। इसको मोल्ड में डालती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए टैप करूंगी ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो सारे निकल जाए। हम इसको बेक होने के लिए रखते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन पे हम इसका टेम्परेचर आपको बता देते हैं, 350 फॉरन पे आप इसको रखें और 180 सेल्सियस पे। इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। पहले 5 मिनट मैं इसको करूंगी हाई फ्लेम पे रखे, फिर तकरीबन 30 मिनट इसको मैं करूंगी मीडियम फ्लेम पे रखे बेक के। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी फ्लेम जो है मैं मीडियम पे कर देती हूँ और 30 मिनटों के लिए इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे केक को बेक होते आधा घंटा हो गया, आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी वुडन स्टिक ले ले, ये देखिए ये क्लियर आई है, इट्स मीन ये रेडी हो गया। ये देखिए
तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हम चॉकलेट गिनाश रेडी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप क्रीम का, फुल फैट क्रीम लेनी है आपने। यहाँ पे है मेरे पास सेमी स्वीट चॉकलेट चिप, ये मैंने 1/3-4 कप लिए, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बटर, और मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दूंगी ताकि चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाए। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चॉकलेट जो है डिजोल्व हो जाए। ये देखिए हमारी चॉकलेट गनाश भी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केक को हम छुरी की मदद से किनारों से सेपरेट कर लेंगे। अब मैं इसको खोल लेती हूँ। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश बनाई हुई थी वो पोर कर देंगे। अब मैं केक को डेकोरेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, आपका दिल करे आप चेरीज ले लें, ब्लूबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, रसबेरी ले लें, जो आपको अच्छी लगती हैं। देखिए बहुत ही मज़े का यमी सा चॉकलेट केक आपके लिए रेडी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।